नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान रोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर बड़ी अपडेट। नर्स भर्ती 2018 पद स्थापन सूची जारी करवाने के लिए प्रदेश संयोजक ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट। जैसा ही दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे नर्स ग्रेड सेकंड या नर्सिंग भर्ती 2018 जिसमें एएनएम और जीएनएम भर्ती पर लगभग 12,000 पदों पर जो पद स्थापन सूची है वो जारी करवाने को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है प्रदेश संयोजक मनोज दुब्बी और सरिता चौधरी ने। क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नर्सेज भर्ती 2018 नर्सेज रिक्रूटमेंट 2018 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम और नर्स ग्रेड सेकंड जीएनएम के अंतिम चयन सूची 24 जनवरी 2018 को राजस्थान सरकार द्वारा निकाल दी गई, लेकिन पद स्थापन सूची जारी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सरकार कोरोना महामारी को लेकर न्यू भर्ती कर रही है, लेकिन नर्स भर्ती 2018 पद स्थापन सूची जारी नहीं कर रही है। नर्स भर्ती 2018 पद स्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर आज नर्सेज के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पे गए और उनको ज्ञापन सौंपा। नर्स भर्ती 2018 पद स्थापन सूची जारी करवाने को लेकर करवाने के लिए प्रदेश संयोजक मनोज मीणा दुब्बी और सरिता जानू, पवन भारिया, राजेश सोनी ने स्वास्थ्य भवन में नर्सिंग भर्ती 2018 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजय सक्सेना से मुलाकात की और जल्द प्रतिस्थापन जो पद स्थापन सूची है वो यहाँ पे जारी करने की मांग की। मैं बता दूं, प्रदेश संयोजक ने कहा कि भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो वे आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी 2500 यूटीबी नर्सेज कोरोना वायरस बनकर काम कर रहे हैं और सरकार केवल तारीख पे तारीख दे रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में निकल के आ रही है। नर्स ग्रेड सेकंड भर्ती जिसमें एएनएम और जीएनएम भर्ती 2018 को लेकर पद स्थापन सूची जारी करवाने को लेकर प्रदेश संयोजक ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी पहुंचे और भर्ती के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजय सक्सेना से मुलाकात की और जो पद स्थापन सूची है उसकी भी यहाँ पे चर्चा की गई। साथ में डिप्टी सीएम सचिन पायलट और डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पे भी पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट। साथ ही इन्होंने कहा है कि सरकार अगर जल्द नियुक्ति नहीं देगी तो वो आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त यहाँ पे जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, नर्सेज भर्ती 2018 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स ग्रेड सेकंड के अंतिम चयन सूची यहाँ पे जनवरी 2018 को राजस्थान सरकार द्वारा निकाल दी गई, लेकिन पद स्थापन सूची जारी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सरकार कोरोना को लेकर महामारी को लेकर न्यू भर्ती कर रही है, लेकिन नर्सेज भर्ती 2018 पद स्थापन सूची जारी नहीं कर रही है। नर्स भर्ती 2018 पद स्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर नर्सेज के प्रतिनिधि मंडल ने आज उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। साथ ही मैं बता दूं, नर्स भर्ती 2018 पद स्थापन सूची जारी करवाने को लेकर नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मनोज मीणा, सरिता जानू, पवन भारी और राजेश सैनी ने स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य भवन में नर्सिंग भर्ती 2018 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजय सक्सेना से मुलाकात की और जल्द प्रतिस्थापन सूची जारी करने की मांग की। या दोस्तों, प्रदेश संयोजक का कहना है कि अगर भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो वे आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यहां पर राज्य सरकार की होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी यूटीबी 2500 जो यूटीबी नर्सेज हैं वो कोरोना महामारी में इस वक्त सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी पद स्थापन सूची को लेकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उनको तारीखें दे रही है। यहाँ पे पद स्थापन सूची अभी तक जारी नहीं की, जिसको जारी करवाने की मांग को लेकर यहाँ पे उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से मुलाकात की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सेज भर्ती 2018 के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर संजय सक्सेना से भी मुलाकात की और जल्द पद स्थापन सूची जारी करवाने की यहाँ पे बातें हुई। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।